कहते हैं चुनाव के वक्त राजनीतिक नब्ज का आकलन सबसे पहले सट्टा बाजार के धुरंधर ही करते हैं। किसका पलड़ा भारी, किसके वादों में दम, किसका जनता पर असर, इसको सबसे पहले सट्टा बाजार ही भांप लेता है। हालांकि ये दावे हैं, लेकिन कमोबेश हर बार सटीक रहते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में ना तो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है ना काउंटिंग, लेकिन सट्टा बाजार ने अपने नतीजे सुना दिए हैं। इसे इस तरह से समझे कि नतीजों को लेकर सट्टा बाजार में सुगबुगाहट तेज हो गई है। किस पार्टी का कितना रेट होगा, किस पार्टी का कितना भाव है, सटोरियों ने किस पर दाम लगाया है, इन चुनावों में किसकी जीत किसकी हार होगी, ये सब कुछ सट्टा बाजार में पहले ही सेट हो गया है। चुनावी नतीजों का सबसे सटीक आकलन करने के लिए मशहूर फलोदी सट्टा बाजार का जो रुझान आया है वो यकीनन कुछ राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रहा है तो कुछ को खुश होने का मौका भी दे रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी सट्टे से जुड़ा एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 60 से 70 सीटें पाकर सत्ता से बाहर हो सकती है। फलोदी सट्टा बाजार रुझान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। राज्य में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 120 से 130 सीटें मिल सकती हैं। यहां बीजेपी को महज 40 से 50 सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो सटोरियों ने यहां भी कांग्रेस पर ही दाव लगाया है। फलोदी सट्टा बाजार ने यहां कुल 90 विधानसभा की सीटों में से 75 में से 80 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सिर्फ 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह तेलंगाना में भी सटोरियों ने कांग्रेस की बल्ले बल्ले कर दी। फलोदी सट्टा बाजार ने तेलंगाना में भी सत्ता का सिकंदर कांग्रेस को ही बताया। राज्य में टोटल 119 सीटों में से कांग्रेस के लिए 65 में से 72 सीटों पर सट्टा लगा दिया। इसके अलावा बीआरएस प्लस भाजपा को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया। बता दें कि चुनावी आकलन के लिए फलोदी सट्टा बाजार काफी पॉपुलर है। माना जाता है कि सट्टा बाजार का आकलन बिल्कुल सटीक साबित होता है। ऐसे में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके परिणामों में फलोदी सट्टा बाजार पूरी तरह से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहा है, जो कि कांग्रेस को सुकून तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल सटोरियों के इन रुझानों से कांग्रेस का मनोबल तो पूरी तरह हाई है। हालांकि सट्टा बाजार का ये गुणागणित सियासी दलों की गणित से कितना मेल खाता है, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा।